के मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। 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 राधा रानी के चरण महारानी के चरण। राधा रानी के चरण महारानी के चरण। और राधा रानी के चरण महारानी के चरण। राधा रानी के चरण महारानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ राधा रानी के चरण ठकुरानी के चरण। राधा रानी के चरण ठकुरानी के चरण। राधा रानी के चरण महारानी के चरण। राधा रानी के चरण महारानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के
के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी 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 के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, जइयो राधा रानी के चरण, जइयो राधा रानी के चरण, वृषभान की किशोरी सुनी गैया हूँ ते भोरी, 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 प्रीत जान के हूँ थोरी तोहे राखेगी शरण, प्रीत जान के हूँ थोरी तोहे राखेगी शरण, हाँ प्रीत जान के हूँ थोड़ी तोहे राखेगी शरण, प्रीत जान के हूँ थोड़ी तोहे राखेगी शरण, ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी 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 के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी की श्यामा लाडली स्वामिनी, लाडली अष्ट सिद्धिदायक ये नौ निधि नायक है, हाँ अष्ट सिद्धिदायक ये नौ निधि नायक है, नौ निधि नायक ये आनंद करण है, नायक ये आनंद करण, नौ निधि नायक ये आनंद करण है, करण है कलि के कलेशन के जाल हाल, करत निहाल जिन लीनी ये शरण है,
नाथ निहाल जिन बिनिए शरण है, नाथ निहाल जिन बिनिए शरण है। दास दृग रंजन है, खल दल गंजन है, दास दृग रंजन है, खल गन रंजन है। कंज लखी हारे ऐसे कांति हरण है, धीरज धरण हारे ऐसे नानी हारे जैसे, ये धीरज धरण हारे ऐसे नानी हारे जैसे, तारण करण राधा रानी के चरण में, तारण करण राधा रानी के चरण है, तारण तरण राधा रानी के चरण है, तारण तरण राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। जाकु श्याम और घेर राधे 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 तेर, जाकु श्याम और घेर राधे 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 तेर, जाको श्याम उर हेर राधे 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 तेर, जाको श्याम उर हेर राधे 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 तेर। बांसुरी में बेर बेर कर नाम दे रमण, बांसुरी में बेर बेर कर नाम दे रमण, हाँ बांसुरी में बेर बेर कर नाम दे रमण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। भैया ये जो कीर्तन है ना, हमारे एक नंदगांव के बहुत बड़े बाबा हुए हैं, नाम था उनका कृष्णदास, कृष्णदास नाम था। उन्होंने किसी संत से सुना कि भैया किसी देवता की यदि 12 वर्ष तक नियम पूर्वक कोई जप तप आराधना कोई भी नियम बांध लिया जाए ना, तो 12 वर्षों के बाद वो जो भगवान है, वो जो देवता है ना, वो फिर आपको दर्शन देते हैं। ऐसा बाबा कृष्णदास जी ने किसी कथा में सुना, और नंदगांव में रहते थे तो बाबा ने एक नियम बना लिया, एक नियम बना लिया बाबा ने कि आज से 12 वर्षों तक मैं नित्य प्रति नंदगांव में लाला के पास जाकर ताजे फूलों की माला लाला को पधराऊंगा। ये नियम उन्होंने प्रारंभ कर दिया, रोज ताजे फूल चुनकर आते कृष्णदास जी, और अपने हाथों से सुंदर माला बनाते और नंदगांव में जाकर ठाकुर जी को अपने हाथों से पहना देते। एक एक करके वर्ष बीतते गए, कान में कह के आते थे लाला आज 5 वर्ष हो गए हैं मुझे, आज मुझे माला अर्पण करते करते लाला 7 वर्ष बीत चुके हैं, भूल मत जाइयो 12 वर्ष तक का तो मेरा नियम है, लेकिन 13वें वर्ष के पहले दिन यदि तू मेरी कुटिया पर नहीं आया ना, बड़े भाव से नित्य प्रति जाता, नित्य प्रति ठाकुर को जाके वो माला अर्पण करता। आज उसको वो माला अर्पण करते करते 12 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 12 वर्ष का अंतिम दिन जो है,
आज कृष्णदास जी के पास आ गया। बड़े ही भाव से कृष्णदास जी ने ठाकुर जी की माला बनाई और माला लेकर बड़े आनंद मोद मन से नंदगांव में लाला के पास पहुंचा, ठाकुर जी को माला पहराई और जाके कान में कहा, लाला लाला तो ही याद है ना, आज आज मुझे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, मैं रोज बिना नागे ये जो माला की सेवा है ना, ये नियम पूर्वक मैंने पूरी करी है, बस अब मैं घर जा रहा हूं और कल प्रातः काल तुझे मेरी कुटिया पर आना है। 13वें वर्ष के पहले दिन मैं अपनी कुटिया पे तेरे गले में माला डालूंगा अपने हाथ से और 56 भोग बनाकर अपने हाथों से तुझे पवाऊंगा। ये कहकर बड़े ही आनंद से वो भक्त कृष्णदास अपनी कुटिया पर आया। रात भर यही सोचता रहा कि कल प्रातः काल होगी, कल लाला मेरी कुटिया पर आएंगे, कल लाला मेरी कुटिया पर पधारेंगे। सुबह हुई, नहा धो के निवृत्त हुआ, पूजा पाठ भजन से और अपने हाथों से सुंदर सुंदर पुष्पों की एक माला बनाई, 56 भोग तैयार किए कि लाला आएगा अपने हाथों से उन्हें वो प्रसाद पवाऊंगा। लेकिन सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, कृष्णदास जी ने सोचा शायद आज भक्त ज्यादा आए होंगे, हो सकता है लाला आज व्यस्त हो सकता है राजभोग के बाद लाला ने मेरे घर आना हो। आज तो हद हो गई, शयन आरती का समय आ गया, शयन आरती का समय आ गया, लेकिन लाला नहीं आए। जब उसको लगा कि अब तो शयन आरती भी पूरी हो चुकी है, लाला नहीं आए, तो आज उसका मानस बड़ा खिन्न हुआ, बहुत खिन्न हुआ उसका मानस, बहुत उदास हुआ और कहने लगा, वाह लाला, 12 वर्षों तक मैंने बिना नागे तेरे दरबार में ये माला की सेवा की है, तो इसका मतलब तो वो कथा में संत झूठ बोल रहा था कि 12 वर्षों तक यदि कोई नियम किया जाए तो तुम आकर उसको दर्शन देते हो। क्या वो संत झूठ बोल रहे थे या फिर मुझे तो यूं लगे कि लाला तू ही निष्ठुर है। ऐसा कहकर कृष्णदास जी ने मन बनाया कि मैं तो इस निष्ठुर के गांव में ही नहीं रहूंगा, मैं तो इसके गांव से ही निकल जाऊंगा, ऐसे गांव में क्या रहना। आज कृष्णदास जी ने नंदगांव छोड़ने का मन बना लिया और अर्धरात्रि को ही जो 56 भोग बनाया था उसे एक पोटली में बांधा और पोटली में बांधकर चल पड़ा, और चल कहां पड़ा, बरसाने की ओर, बरसाने की ओर मुख करके चलना प्रारंभ कर दिया। अभी थोड़ी देर ही चला था तो आगे देखा उसने अपार गऊओं का एक समूह जा रहा था और कृष्णदास जी को तो निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। बहुत ध्यान से उन्होंने देखा तो दूर से एक ग्वारिया आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने बोला, अरे ग्वारिये, मेरी बात सुन, ये किसकी गैया हैं? उन्होंने कहा, बाबा ये सारी गैया ना नंद बाबा की हैं, मैं नंदगांव से आया हूं, सारी गैया जो हैं ये नंद बाबा की हैं। उन्होंने कहा, इतनी गैया? उन्होंने कहा, हाँ बाबा 9 लाख गैया हैं। उन्होंने कहा, तो आधी रात को चरा रहा है? उन्होंने कहा, बाबा 9 लाख गैया हैं, निकला तो दोपहर को था, अब इनको संभालते संभालते रात हो गई है। इतना कहकर उस ग्वारिये ने कहा, बाबा आज तेरी पोटली में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या है इस पोटली में? उन्होंने कहा, बाबा, कृष्णदास जी ने कहा, अरे ग्वारिये, ये तेरे नंदगांव में जो निष्ठुर रवे ना देवता, उस देवता के लिए 56 भोग बनाया था, वो तो आया नहीं, अब मैं ही इसे पाऊंगा, ले जा रहा हूं, रास्ते में कहीं बैठ के पालूंगा। तो ग्वारी ने कहा, बाबा थोड़ी कृपा मोपे भी हो जाए, यहीं खोल दे, दोनों मिल बैठ के खा के
थोड़ा थोड़ा पालेंगे। तो बाबा को उस ग्वारिये पे दया आ गई, वहीं पेड़ की छाया में बैठे और पोटली खोली। उनका लाला ले तू भी खा ले। उनका बाबा मैं कैसे खाऊं, देख मेरे हाथ तो सारे मिट्टी वाले हुए पड़े हैं, गोबर लगा हुआ है, इन गैया को चराते चराते, तो अपने हाथ से ही पवा देना मुंह को। अब वो बाबा एक ग्रास खुद खाएं और एक ग्रास अपने हाथ से उस ग्वारिये को खिलाएं। थोड़ी देर खाते खाते उस ग्वारिये के नैन सजल हो गए, उस ग्वारिये के नैन सजल हो गए। तो बाबा ने कहा अरे रो क्यों रहा है। उनका ना बाबा रो ना। उनका फिर उनका 56 भोग पधार रहे हो, 12 वर्षों तक मेरे गले में रोज माला डाली, आज नहीं डालोगे। आज मेरे गले में वो माला नहीं डालोगे। बाबा एकदम से कूदे अरे कौन है तू। बस इतना कहना था तो त्रिभंग रूप धारी नंदन नंदन श्याम सुंदर ब्रज नंदन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक चतुर्भुज रूप में बाबा के सामने प्रकट हो गए कि बाबा लो मैं आ गया हूं। उनका तू आ गया है। जैसे ही देखा ठाकुर को तो उन्होंने अपनी पोटली उठाई और तीव्र गति से दौड़ना प्रारंभ कर दिया। पर ना बा अब ऐसा हो रहा है कि वो बाबा आगे आगे भाग रहे हैं और ठाकुर जी उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। अरे बाबा रुको कहां जा रहे हो। मैं आ गया हूं, मैंने बोला था तुम्हें 12 साल बाद। उन्होंने कहा ना ना मैंने तो पूरी रात तेरी इंतजार करी शयन आरती तक, अब मैं नहीं रुकने वाला और ये 12 वर्षों की मेरी तपस्या का फल नहीं है कि तू मुझे मिलने आया है। तू मुझे मिलने तब आया है जब मेरा मुख किशोरी जी की तरफ हुआ ना। आज मेरा मुख बरसाने की तरफ हुआ, लाडली की तरफ हुआ, तो तू यहां दौड़ के आ गया, प्रकट हो गया। मैं 12 वर्षों तक तुझे कहता रहा, रोज आकर तेरे कान में कहता रहा बाबा कन्हैया आज 12 वर्ष पूरे हुए, कल तू मेरी कुटिया पर आना, तब तक तो नहीं आया तू। तो भैया ब्रज के संत और सीधा दौड़ के किशोरी जी के बरसाने में पहुंचा, किशोरी जी के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगा किशोरी जी आज से मैं अपना नाम ही बदल रहा हूं, मेरा नाम आज से कृष्णदास नहीं है, मेरा नाम आज से राधा दास है। भैया चरणों की तो क्या वंदना कहें। ब्रज के रसिकों ने खूब गाया है, मुक्त कंठ से किशोरी जी के चरणों की वंदना की है। और हम आप कितने सौभाग्यशाली हैं। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, 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 राधा रानी के चरण महारानी 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 के चरण, हे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, हे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण।
के धन्यासी की तनय धन्यासी की तनय तब पाद कंजे। बहुत सुंदर ये श्लोक है, क्या कहूं मैं तो बड़ा बलिहार जाता हूं कलिका प्रसाद जी की इस लेखनी पर। श्री राधा चरित महाकाव्य एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, श्री राधा चरित महाकाव्य पूरा का पूरा महाकाव्य संस्कृत में है और मुझे उसके कुछ श्लोकों को पढ़ने का सुअवसर मिला संतों की कृपा से। लेकिन मेरे मन में एक बड़ी जिज्ञासा थी कि इन संस्कृत के श्लोकों का यदि हिंदी रूपांतर हो जाए ना, बड़ी जिज्ञासा थी। तो मैंने कुछ विद्वानों के चरणों में बैठकर उनसे प्रार्थना की तो उन्होंने प्रसाद रूप में मुझे कुछ एक दो श्लोक दिए। आप बड़े ध्यान से सुनना जरा, के धन्यासी कीर्ति तनय तब पाद कंजे श्री शोपी पद्म इव चंचति चंचरी कहा के भातीव नेत्र पटले अंजन सार भूतो वेदांत वेद निर्वद निरंजनोपी वेदांत वेद निर्वद निरंजनोपी। बहुत अद्भुत श्लोक है, बहुत अद्भुत श्लोक। और बहुत सुंदर इसका हिंदी रूपांतर आप सुनोगे तो बड़ा रस आएगा। वैसे तो राधा कहते ही भैया मुंह में ऐसी मिठास घुल जाती है, राधा बस कहते ही मुंह में मिठास आ जाती है। लेकिन कलिका प्रसाद शुक्ल जी ने क्या खूब लिखा के धन धन हे कीर्ति कन्या ये जो कृष्णदास था ना, जो जैसे ही बरसाना पहुंचा उन्होंने अपना नाम रख लिया। क्या रखा नाम उन्होंने? राधादास। ये प्रभावित हुआ लाडली से। क्यों प्रभावित हुआ? नंदगांव में 12 वर्षों तक रहा, सरकार के दर्शन नहीं हुए, लेकिन जैसे ही बरसाना की ओर सिर्फ मुंह किया, सिर्फ चलने लगा बरसाना की ओर, तो चतुर्भुज रूपधारी भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। तो भैया संत भी कहते हैं कि धन धन है कीर्ति कन्या सौभाग्य तेरा कितना है कि तेरे चरण कमल में नित गुंजे तेरे चरण कमल में नित गुंजे ये कमलापति भ्रमर बना है ये कमलापति भ्रमर बना है और वेदांत ज्ञान का वो सार शुद्ध निरंजन होकर भी के तेरे नैनन में शोभा पावे तेरे नैनन में शोभा पावे जैसे
अंजन सार बना, हे श्यामाजू जैसे अंजन सार बना। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, जे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी 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 के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, हा राधा रानी के चरण, 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 मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, मेरी प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, मेरी लाडो के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। और इन चरणों की वंदना तो भैया ऐसी है, जिन चरणों की वंदना स्वयं सरकार करते हो, जिन चरणों की वंदना नंद कुमार करते हो, भैया हम आप लोगों को वो सौभाग्य मिला है कि उन चरणों की वंदना करना है। के जय जय चरण धरत सुकुमारी, ब्रज के संत कहते हैं भैया हमारी लाडली अटारी से जब नीचे गैवर वन में निभृत निकुंजों में आती है ना अपनी अष्ट सखियों के साथ, और जहां जहां से हमारी लाडली निकलती है श्याम सुंदर छुप छुप के पीछे पीछे जाते हैं, और जहां जहां से हमारी लाडली निकलती है ना जहां जहां चरण धरती हैं उस चरण को उठाकर अपने मस्तक पर लगाते हैं, उस रज को उठाकर। के जय जय चरण धरत सुकुमारी, सोठों चूमत मेरो रास बिहार,
के जिसी प्यारी पद रेणु में हे जिसी प्यारी पद रेणु में अरे ये तो उमगत लोटत लाल खाली चूमते ही नहीं है प्रयास ये करते हैं कि जहां से हमारी लाडली मेरी लाडली निकली है ना वहां की रज का एक भी कण ऐसा ना हो जो मुझसे दूर रह जाए उस रज में लोट लगाते हैं कि श्री प्यारी पद रेणु में अरे ये तो उमगत लोटत लाल फिर कोमल कर चुटकीन ले तिलक बनावत भाल क्या कहें ऐसे चरण हैं हमारी लाडली के और यदि ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो राधा रानी के एक चरण में 8 चिन्ह हैं और दूसरे चरण में 11 चिन्ह हैं हमारे ज्योतिषी कहते हैं कि जैसे चिन्ह लाडली के चरणों में है ना अगर ऐसा एक भी चिन्ह किसी के ललाट पर किसी के मस्तक पर हो ना तो बहुत मुमकिन है कि वो बहुत प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति होगा और यदि ऐसे चिन्ह दो किसी के पास आ जाएं तो भैया निश्चित रूप से या तो कोई बहुत बड़ा संत होगा महामंडलेश्वर होगा शंकराचार्य रामानुजाचार्य की उपाधि से विभूषित होगा ऐसे ही या तो बहुत बड़ा वैज्ञानिक होगा किसी ना किसी क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा पर होगा अगर ऐसे चिन्हों की बात करें ना तो हमारे राम जी के पास भी ऐसे 14 चिन्ह हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पास ऐसे 14 चिन्ह हैं और हमारे सरकार के पास आनंद कंद मुरली मनोहर श्याम सुंदर के पास ऐसे 16 चिन्ह हैं 16 कला निपुण हैं ऐसे 16 चिन्ह हैं लेकिन आप अंदाजा लगाइए ऐसे चिन्ह हमारी लाडली के चरणों चरणों में 19 हैं हम उन चरणों की वंदना कर रहे हैं तो केवल आइए 2 मिनट के लिए ओए मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण 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 ओ राधा रानी के चरण महारानी के चरण राधा रानी के चरण महारानी के चरण हा राधा रानी के चरण मेरी प्यारी के चरण राधा रानी के चरण मेरी प्यारी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण राधा रानी के चरण महारानी 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 के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण 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 महारानी के चरण महारानी के चरण राधे 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 राधे
श्यामा 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 Radhe 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 किशोरी मेरी है राधे किशोरी मेरी राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। ऐसे नहीं भैया, राधा नाम हो, राधा नाम की ताली ना हो, राधा नाम की मस्ती तो आनी चाहिए ना। और भैया यहां तो बहुत सारे वैष्णव ब्राह्मण हैं, प्रणाम करूं आप सभी वैष्णव ब्राह्मणों के पावन चरणों में। हमारे आराध्य गोवर्धन नाथ जी, श्री जी 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 श्री जी। हमारे वैष्णव ब्राह्मण तो कहते हैं ना कि देव न मानू मैं दूसरो, अरे देव न मानू देव न मानू देव न मानू री मैं दूसरो एही हमारो श्रीनाथ जी। इसलिए तो भैया हमारे हमारे परिवारों में जितने भी वैष्णव परिवार हैं, हम भैया सुबह उठकर श्रीनाथ जी की वंदना कहते हैं कि वंदना करता रहूं रात दिन श्रीनाथ की, तेरी जीवन सफल हो जावे उसका, आए शरण जो आपकी। के रास बिहारी कुंज बिहारी नाम बहुत है आपके, भाव से जो भी सेवा करता तेरी रक्षा करते आन के। खोटी में हीरा जो चमके चमके, खोटी में वही वही तो है श्रीनाथ जी। के गोपी जन वल्लभ कहलाए गोपी जन वल्लभ कहलाए संतान हतार यत्पादा
सियानान तानी जाचार्या प्रणमामी मुहुर मुहुर के गोपी जन वल्लभ कहलाया और भक्तों के मन भा गए दर्शन करके जतीपुरा में भैया सबके मन हर्षा श्री जी मेरो ऐसो रसिया 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 श्री जी मेरो सो रसिया श्री जी मेरो है 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 सो रसिया के श्री जी मेरो श्री जी मेरो ऐसो रसिया तेरी सबके पालन हार जी हे वंदना करता रहूं मैं रात दिन जीवन सफल हो जावे उसका आए शरण जो आप जय श्री जी की 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 राधे 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 किशोरी मेरी है राधे किशोरी मेरी है राधे किशोरी मेरी है राधे किशोरी मेरी है श्यामा लाडली मेरी है श्यामा लाडली श्यामा श्यामा श्यामा
जय जय श्री राम जय जय श्री राम।